आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिल्कुल नए तरीके की कैरेट पुडिंग। ये बनाने में बहुत ही आसान है, खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना ना भूलना। तो आज की हम ये मज़ेदार सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वो भी बिल्कुल फ्री में। कैरेट पुडिंग बनाने के लिए मैंने ली है 250 ग्राम ये लाल वाली गाजर। इनको मैं छीलकर धोकर साफ़ कर लूँगी। मैंने लिया है एक ग्रेटर, ये मीडियम वाला ग्रेटर है। एक होता है सबसे बारीक वाला और एक मोटा वाला, मैंने मीडियम वाला यूज किया है। इसमें हम अपनी गाजर को बारीक कस लेंगे। अगर आपके पास सेफ्टी कवर है तो आप उसका भी यूज कर सकती हैं, उससे गाजर बहुत ही जल्दी कसकर रेडी हो जाती है। देखिए गाजर हमारी कुछ ऐसी कस गई है। जब ये गाजर कस के थोड़ी सी रह जाती है ना, उस पर हम ऐसे सेफ्टी कवर से कस सकते हैं, बहुत ही जल्दी कसकर रेडी हो जाती है। अब मैं आपको फ्रेंड्स एक ट्रिक बताऊंगी। ये जो गाजर होती है ना, उसके बीच में जो पीला पीला होता है, आप उसको ना कसें। वो पार्ट मीठा नहीं होता है और वो बनने में भी टाइम लगता है, तो आप उसको इस तरीके से कस लें। देखिए, या तो इसकी आप सब्जी बना सकते हैं या फिर आप इसको हटा दें। ये मेरी सारी गाजर कस के रेडी है। अगर आपको गाजर का जूस निकालना है तो ऐसे गाजर को कस के आप किसी कपड़े की सहायता से इसको निचोड़ लें, सारा रस निकल के रेडी हो जाएगा। अब मैंने लिया है 1 लीटर फुल मिल्क वाला दूध। इस दूध में हम उबाल आने तक चलाएंगे। दूध में उबाल आने लगी है, अब हम इसमें अपनी सारी कसी हुई गाजर को धीरे धीरे करके मिला देंगे। याद रखें, गाजर को एक साथ नहीं मिलानी है, धीरे धीरे करके हमें सारी गाजर को मिलाना है। इस टाइम पर हमें अपनी गैस कम रखनी है, अगर तेज रखेंगे तो दूध हमारा बाहर निकल जाएगा। इस बात का आप ध्यान रखें। गाजर और दूध को हम अच्छे से मिला देंगे। दूध में उबाल आने लगे हैं, अब हम इसकी गैस को तेज रखेंगे और इसको हम लगातार चलाएंगे। अगर आप छोड़ देंगे तो ये तली में लग जाएगा, तो आप इस बात का ध्यान रखें। गैस तेज रखनी है और लगातार हमें गाजर को चलाते रहना है, तो इससे पुडिंग बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होती है। एक ही गैस पर, एक ही आँच पर पुडिंग अगर बनती है ना, तो वो बहुत ही टेस्टी लगती है, तो आप इस बात का ध्यान रखें। देखिए, मुझे लगभग 15 मिनट हो गए हैं और ये आधा हो गया है, इसको हमें और उबालना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 उसको लाइक कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो में कोई कमी या दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं अगली वीडियो में उसका सुधार कर सकूं। लगभग मुझे चलाते हुए 20 मिनट हो गए हैं और हमारी ये रेडी होने को है। बस थोड़ा सा और इंतज़ार और फिर हमारी गाजर की मीठी मीठी वाली पुडिंग बनकर रेडी हो जाएगी। इसको हम लगातार तेज आंच पर चलाते रहेंगे। देखिए, हमारा दूध बिल्कुल सूख चुका है, इसको हमें थोड़ा सा और उबालना है। जब तक हमारा दूध उबल रहा है, तब तक आप नीचे जो बेल आइकन का बटन दिया है ना, उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। गाजर का पूरा दूध सूख चुका है, अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। नॉर्मली 1 लीटर दूध में 150 ग्राम चीनी जाती है। मैं मीठा कम खाती हूँ तो मैंने 100 ग्राम यूज किया है, आप चाहें तो 150 ग्राम डाल सकते हैं। गैस हमें इस टाइम पर कम रखनी है। चीनी और गाजर को हम अच्छे से मिला देंगे। यहाँ पर आप एक बात का ध्यान रखना, जब गाजर से सारा दूध सूख जाए तभी आप इसमें चीनी ऐड करना। अगर आप पहले ही ऐड कर देंगे तो आपकी पुडिंग बहुत ही पतली बन जाएगी,
तो इस बात का आप ध्यान रखें। हमने अपना सारा दूध सुखा लिया था, उसके बाद भी देखो हमारी पुडिंग कितनी पतली हो गई है, इसलिए सारा दूध सुखाने के बाद ही हम चीनी ऐड करते हैं। इसको हम लगातार चलाते रहेंगे। दूध सूखने तक हम एक बार फिर से तेज आंच पर लगातार चलाते हुए हिलाएंगे। इसको बनते हुए लगभग 25 मिनट हो गए हैं। इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। मुझे इसमें सिर्फ काजू पसंद है। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स में किशमिश, बादाम, पिस्ता पसंद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। हमें इसी स्टेज पर ड्राई फ्रूट ऐड करने हैं, जिससे ड्राई फ्रूट हमारे फूल जाएंगे। इसको हम तेज आंच पर लगातार चलाते हुए हिलाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच बारीक पिसी हुई इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। इसको भी हम अच्छे से चला देंगे। 5 मिनट तक लगातार चलाते हुए हम अपनी कर देंगे गैस बंद। ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर और टेक्सचर आया है। तो चलिए अब हम करते हैं इसको सर्व। लीजिए फ्रेंड्स, रेडी है हमारी कैरेट पुडिंग बिल्कुल सिंपल तरीके से। आप इसे अपने घर पर जरूर ट्राई करना। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी बनकर रेडी हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अब आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं हम ऐसी ही मज़ेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।